मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। फाइनली देख सकते हैं यहां पर आप लोगों का जो है एसएससी एमटीएस का परिणाम को जारी कर दिया गया है। अब यहां पर बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर हम इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है और पीडीएफ को डाउनलोड करने की लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं, क्योंकि ऑफिशियल साइट बिल्कुल से क्रैश हो गई है। तो आपको पीडीएफ को डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर चलिए मैं गूगल पे लाइव प्रोसेस डाउनलोड करके दिखाता हूँ। गूगल पे आएंगे, हम लोग सर्च करेंगे gkcnews.com। जैसे ही gkcnews सर्च करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। सबसे ऊपर ही आपको gkcnews की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। सिंपली हमको इसी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे हम लोग क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेसेस आप सभी के सामने देखने को मिल जाता है। अब यहां पर देख सकते हैं एसएससी एमटीएस रिजल्ट। ठीक है, देख लीजिए, आज अभी जस्ट आप लोगों का परिणाम जारी किया गया है। सिंपली इसी पर हमको क्लिक कर देना होगा। ठीक है, ध्यान देना, इसकी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप लोग gkcnews डाउनलोड करके भी सर्च कर सकते हैं। नीचे आ जाएंगे और यहां से आप लोगों का दोस्तों ये लिंक है, आप लोग जाकर के पीडीएफ को पहले डाउनलोड करिए। किनका किनका चयन हुआ है कमेंट सेक्शन मेंशन करना चाहिए।